बिहार में आज नीतीश सरकार को अक्सरियत साबित करना है, लेकिन बीती रात राजधानी पटना में बड़ी हलचल थी। साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की रिहायशगाह के बाहर भारी पुलिस फोर्स पहुंची थी। पटना के सिटी एसपी और एसडीएम फोर्स के साथ तेजस्वी यादव के घर में गए थे। आरजेडी एमएलए चेतन आनंद के छोटे भाई ने पुलिस से शिकायत की थी कि तेजस्वी यादव ने उनके बड़े भाई चेतन आनंद को शिवहर से एमएलए है जो कि उनको बंधक बनाया है, जिसके बाद एसडीएम और एसपी तेजस्वी के घर पहुंचे थे, जिस दौरान तेजस्वी यादव के घर के बाहर पुलिस फोर्स भी बड़े पैमाने पर देखने को मिली। वहीं आरजेडी हामी नीतीश सरकार के खिलाफ मुजाहरे और नारेबाजी कर रहे थे। तो यहां पर आज बेहद अहम दिन है बिहार की सियासत के लिए, क्योंकि आज नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में पास होना है। सरकार को अक्सरियत पेश करनी है, क्योंकि अजीम इत्तेहाद को छोड़कर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ हो गए हैं और एनडीए का साथ उन्होंने अपना लिया है और अजीम इत्तेहाद से वो अलग हो गए हैं। सीएम का होता तो उन्होंने संभाल लिया, हलफ तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब उन्हें सरकार की अक्सरियत भी असेंबली में पेश करनी होगी, जिसको लेकर आज अहम दिन है। फ्लोर टेस्ट आज होने वाला है। तो दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपने एमएलएज की घेराबंदी की और ये भी जानकारी मिली कि जो तमाम तर एमएलएज हैं आरजेडी के, वो तेजस्वी यादव की रिहायशगाह पर ही मौजूद थे और उनमें से एक एमएलए के बड़े भाई ने शिकायत की, जो कि चेतन आनंद के बड़े भाई हैं, शिवहर से एमएलए हैं। उनको बताया गया कि बंधक बनाया गया है बड़े भाई को, जिसके बाद एसडीएम और एसपी तेजस्वी के आवास पर पहुंचे थे, जिस दौरान तेजस्वी यादव के घर के बाहर पुलिस फोर्स देखने को मिली। आरजेडी हामी नीतीश सरकार के खिलाफ मुजाहरे और नारेबाजी भी कर रहे थे। तो ये भी कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि किसी भी तरह के दबाव से डरने वाले नहीं है और यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो अक्सरियत है सरकार जो आज असेंबली में साबित करने वाली है उसमें कहीं ना कहीं उसको शिकस्त दी जाए। लेकिन ऐसा किस तरह से मुमकिन होगा ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि पूरा जो खेल है यहाँ पर वो तादाद पर मुनहसर करता है कितने एमएलएज आपके हक में वोट करते हैं और कितने आपके साथ हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को वाजे करेगा। तो वहीं नीतीश कुमार काफ़ी पूरे इत्मीनान है कि जो हिमायत है उनके पास ज़्यादा है, जबकि जो सरकार बनी थी वो अजीम इत्तेहाद में आरजेडी और जेडीयू के एमएलएज कांग्रेस के साथ मिला के बनी थी। ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि नीतीश कुमार आज फ्लोर टेस्ट में पास होते हैं या फिर आरजेडी कोई खेला करती हुई नजर आती है। तो आज का दिन बिहार सियासत के लिए बेहद अहम है।